हजरत इमाम हुसैन की याद में 7वीं मुहर्रम का कड़ी सुरक्षा के बीच जुलूस निकाला गया। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम की 7वीं का जुलूस हजरत इमाम हुसैन की याद में आपसी भाईचारगी को मजबूत करने व अमन का संदेश देने के लिए इमामबाड़ा, हजारीपुर, जाफरा बाजार, बड़े कादीपुर, दशहरी बाग, जमनैया बाग, जाहिदाबाद, पुराना गोरखपुर, हुमायूंपुर, रुद्दलपुर, रसूलपुर, अजय नगर, अली नगर, दीवान बाजार, माधोपुर, बुलाकीपुर के मुतवलियों का चरणलाल चौक तक जुलूस को निकाला गया। जुलूस का जगह जगह पर स्वागत किया गया। जुलूस में सबसे आगे इस्लामी परचम, ऊँटों घोड़ों की लंबी कतारें, रोशन चौकी, बड़ी संख्या में अकीदतमंद जुलूस के साथ चल रहे थे। शहनाई वादक व बैंड वाले मातमी धुन बजाकर अकीदत का नजराना पेश कर रहे थे। इसके बाद पारंपरिक ढोल ताशा बजा रहे थे। शाम को मियां बाजार स्थित इमामबाड़ा इस्टेट से पूरे रवायत के साथ मियां साहब के पुत्र अयान शाह के नेतृत्व में गश्ती जुलूस निकाला गया, जिसमें अयान शाह ने रास्ते में पड़ने वाले तमाम मदारों, करबला आदि पर इबादत की और देश दुनिया में अमन व शांति की दुआ मांगी। आपको बता दें कि अपनी पुरानी शान व शौकत के साथ अयान शाह के गश्ती जुलूस में सबसे आगे बड़ा स्टेट का परचम, उसके बाद अयान शाह के निजी सुरक्षा गार्ड सफ़ेद व आसमानी वर्दी में लंबी कतार के साथ चल रहे थे। जुलूस की शोभा कई अदद बैंड वादक, शहनाई वादक जुलूस का शोभा बढ़ा रहे थे। अयान साहब अपनी रवायती अंदाज में सफ़ेद चमचमाती हुई अपने सहयोगियों एवं निजी अंगरक्षकों के साथ चल रहे थे। इस अवसर पर अकील अहमद अंसारी, अहमद जुनेद, फैज़ान अंसारी, शकील खान, हाजी नौशाद खान, शमशाद अहमद, अयान अहमद निज़ामी और नूरुल हुदा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए इमामबाड़ा इस्टेट के गद्दी नशीन अदनान फर्रुख अली शाह उर्फ मियाँ साहब ने कहा, आगे हट गए।
हम लोग के मुहर्रम की तीसरी से तारीख से शुरू हो जाते हैं, आज मुहर्रम की सातवीं हो गई है। और मुहर्रम का नबी और दसई का जो जुलूस होता है इमामबाड़े स्टेट का, वो शाही जुलूस कहलाता है, बहुत लंबा चौड़ा होता है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में से गुजरता है। नबी का जुलूस रात में 9:30 बजे होता है, जबकि उसके आने का वक्त 11 बजे रात का है, लेकिन 11 बजे के नहीं होकर के, क्योंकि इतने भीड़ भाड़ होती है उसमें, कभी कभी 12:30-1 बज जाते हैं। इसी तरह दसवीं का भी जुलूस जो है वो दिन का होता है, ये 9:00 बजे निकल करके मुख्तलिफ इलाकों से, ये इसका रूट ज़्यादा लंबा होता है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए फिर वापस इमामबाड़े में प्रवेश करता है। जी हमारे छोटे साहबजादे हैं ये, लेकिन आज दिक्कत क्या हो गई कि थोड़ी सी मेरी उम्र की वजह से आज थोड़ी सी तबीयत मेरी गड़बड़ हो गई, आज आपके साथ सामने बस मैं खड़ा हूँ, किसी तरह से बुखार है मुझे इस वक्त, लेकिन बारह उन्होंने गश्त की और एक ना एक दिन तो उन्हीं को करना है।